हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आप भी क्या अपने फेस को बहुत बार धोते हैं एंड आप इतने बार प्रोडक्ट चेंज कर चुके हैं कि आपको सारे के सारे ट्रेंड्स रट चुके हैं दिमाग में एंड स्टिल आपको आपके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। द क्लास स्किन, द स्पॉटलेस स्किन, आपको सारी होम रेमेडीज, सारे स्किन प्रोडक्ट, सब चीज ट्राई करने के बाद भी आपको आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। व्हाट इफ आप जिस वे में अपने स्किन को ट्रीट कर रहे हो उसी में ही प्रॉब्लम है। देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद एनीथिंग एल्स। आप सही तरीका ही यूज नहीं कर रहे, इट्स जस्ट आपके बैड हैबिट्स के चलते, आपके बैड स्किन केयर हैबिट्स के चलते आपके स्किन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। सो डोंट यू वरी एट ऑल, बिकॉज आई एम हियर एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस दोज थिंग्स, दोज बैड हैबिट्स दैट कैन मेक यू एज फास्टर। So without wasting much time anymore, let's just move into the video. And if you're new to my channel, you know the drill, subscribe to it and hit the bell icon. And believe me, aap regret nahi karoge. Now let's just get started with the video. First thing is that you exfoliate your skin a lot. Exfoliators are made to clean our face, to clean the pore and to remove all the dead cells. Agreed. But there is a limit of how much you should use it. Okay? But hame kaise pata chalega ki hum zyada exfoliate kar rahe hain? Question aapke dimag pe aaya hi hoga ye sunke ki hame kaise pata chalega ki hum zyada exfoliate kar rahe hain? Exfoliate to karna hai. Agreed. But there is a limit of how much you should exfoliate. Exfoliation we do to remove all the dead cells and to make our skin smooth, supple, radiant, glowing. But आप ज्यादा करने से कैसे पता चलेगा कि आप ज्यादा एक्सफोलिएट कर रहे हो? आपको अपने स्किन में रेडनेस, फ्लेकीनेस, ड्राइनेस दिखने लग जाएंगे, आपको ब्रेकआउट्स होने स्टार्ट हो जाएंगे, आपको रैशेस तक इवन होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सारे साइंस अगर आपको दिखने लग रहे हैं, सो बिलीव मी माई फ्रेंड्स, आप बहुत ज्यादा एक्सफोलिएट कर रहे, इतनी आपकी स्किन को जरूरत नहीं है। सो अगर आपकी नॉर्मल स्किन है सो आपको 2 से 3 बार एक्सफोलिएट करना है। अगर आपकी ऑयली स्किन है सो आपको 3 से 4 बार करना है। एंड अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है सो 1 से 2 बार, इससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट इज आफ्टर वॉशिंग योर फेस यू आर ड्राइंग इट विद अ टॉवल। ऑफ कोर्स अगर हम टॉवल से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? आई नो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया ही होगा। सो टॉवल से करना इज गुड, आर यू रियली डूइंग इट इन द राइट वे? नो, बिकॉज हमें कभी भी अपने फेस के लिए अपने बॉडी टॉवल को यूज नहीं करना चाहिए। कीप 2 डिफरेंट टॉवल। मैंने अपने लास्ट वीडियोस में भी कहा है कि अपने फेस के लिए आप टॉवल को अलग कर दें। हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गुड स्किन एंड अगर आप गुड स्किन मेंटेन करना चाहते हो तो सबसे फर्स्ट थिंग जो आपको करना चाहिए दैट इज चेंज द टॉवल। आप 2 टॉवल्स को अलग कीजिए। मैंने पहले भी कहा था, नेवर रब योर फेस, ऑलवेज डैम्प इट। आपको सिर्फ अपने जो दूसरा टॉवल आपने लेना है आपको उससे सिर्फ आपको डैम्प करना है, बिकॉज रबिंग इट विल जस्ट इनफ्लेम योर पुअर पिम्पल्स एंड आपको और रेडनेस हो जाएगी, आपको और पिगमेंटेशन हो जाएगा, आपको सारी चीजें एक साथ हो जाएगी। सो द चॉइस इज योर्स। या तो आप लेजीनेस के चलते उसी टॉवल यूज कर सकते हो, आप अपने पूरे बॉडी में कर रहे हो एंड स्टार्ट रबिंग इट। इट्स ऑल्सो जब आप रब करोगे टॉवल को तो वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को आपके डीप स्किन पोर्स में और पेनिट्रेट कर देगा एंड विच विल रिजल्ट ओनली एंड ओनली इन टू मोर पिम्पल्स, मोर पिगमेंटेशन। द नेक्स्ट थिंग इज दैट यू स्लीप विथ योर हेयर्स। बहुत सारे लोग, मेरे को पता है, ये वाली चीज करते ही होंगे। हम लोग अपने हेयर को टाई नहीं करते हैं एंड सोते समय हम अपने, मतलब हमारे पूरे फेस पे हमारे बाल आते रहते हैं। आवर हेयर कंटेन्स लॉट्स ऑफ डस्ट एंड ग्रीस थैंक्स टू द पॉल्यूशन। सो एनीवेज, सो हमारे हेयर में बहुत सारे डस्ट ग्रीस होते ही है। सो एंड हम उसको ही ओपन करके सो रहे हैं एंड दोज थिंग्स आर गेटिंग डायरेक्टली, लाइक दोज थिंग्स आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ आवर स्किन। सो उससे क्या होता है, हमारे स्किन के अंदर जो भी हम हेयर के लिए जो भी प्रोडक्ट्स, केमिकल्स यूज कर रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर उसको प्रोटेक्ट नहीं करने के लिए, मेन तो डस्ट पॉल्यूशन उसमें स्टिक है ही, तो वो चीज डायरेक्टली हमारे स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाती है एंड देन आप जो भी प्रोडक्ट्स यूज करो, नो मैटर कोई सा भी कर लो, दैट्स नॉट गोना वर्क, बिकॉज बेबी पॉल्यूशन एंड स्किन नो मैच। आप कुछ भी कर लो, आप
अब कितना भी आपने भी नोटिस किया होगा, गोवा इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। आप वहाँ पे जितना भी SPF लगा लो, कुछ भी कर लो, पॉल्यूशन से आप अपने स्किन को नहीं बचा सकते। एंड वही पॉल्यूशन आप रात को सोते समय आप अच्छे से अपने फेस पे आप उसको आप सो रहे हो एंड आपको कोई रियलाइजेशन नहीं है कि आपके बालों में जितने भी डस्ट ग्रीस है वो आपके स्किन में पूरा पेनिट्रेट हो रहा है। क्रंची लेके जस्ट टाई इट, लूज ट्राई करना, और नहीं तो अगर आप ये नहीं कर रहे तो जस्ट टेक अ सिल्क टॉवल एंड आप अपने बालों को कवर करके देन गो टू स्लीप। थिंग इज दैट यू डोंट चेंज योर पिलो एंड पिलो केस मच ऑफ्टन। सो इट्स वियर्ड बट इट्स ट्रू कि अगर आप अपने पिलो केस को बार बार चेंज नहीं करोगे, बिकॉज सी पिलो केस आपको हमेशा साफ रखना चाहिए। ये हैबिट मैंने अभी अभी घर में आने के बाद बनाई है एंड इट्स रियली वेरी हाइजीनिक एंड अ गुड हैबिट। आपको ये करना ही चाहिए बिकॉज नॉट चेंजिंग योर पिलो केस विल ओनली एंड ओनली टर्न आउट टू गिव यू मोर ब्रेकआउट्स। आप अपने बाल को भी खोल के सो रहे हो एंड उसका जो डर्ट पॉल्यूशन है आपके स्किन में जा ही रहा है, साथ ही साथ आप अपने पिलो केस को भी चेंज नहीं कर रहे हो। तो इधर इधर दोनों, इस तरफ से बाल, इस तरफ से गंदे पिलो केस, दोनों के दोनों आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट होकर आपकी स्किन में और ब्रेकआउट्स, रेडनेस एंड ऑल दोज डर्टी डर्टी स्किन प्रॉब्लम्स आपको दे रहे हैं। एंड आपको क्या करना है, आपको एंड आपके और पैसे खर्च करवाएगा डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आपको भेज के। सो अगर आपको अपने पैसे ज्यादा खर्च नहीं करने हैं, मेक श्योर चेंज योर पिलो केस, टाई योर हेयर, इन सारी चीजों को ध्यान में रखो। सो अगर आप अपने पिलो केस को चेंज नहीं करोगे तो आपको एक्ने मैकेनिका हो सकता है। एक्ने मैकेनिका इज बेसिकली एन अ फॉर्म ऑफ एक्ने दैट कम्स फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज। सो टू अवॉइड दोज थिंग्स मेक श्योर कि आप अपने पिलो केस को चेंज करें। मेक श्योर गाइज डोंट लेट योर डर्टी पिलो केस टच योर बेबी सॉफ्ट स्किन एंड मेंटेन द हाइजीन। नेक्स्ट थिंग इज दैट यू डोंट ईट फूड्स दैट कीप योर स्किन हेल्दी। गाइज मैंने बहुत बार बोला है अपने न्यूट्रिशन में एड दोज थिंग्स जो आपकी स्किन के लिए अच्छे, बिकॉज आप जो खाते हो वही आपके स्किन में रिफ्लेक्ट होता है। सो मेक श्योर कि आप अपने स्किन को अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स ऐड करो, बिकॉज अगर आपकी स्किन ही आप देखो आप चाहते हो हेल्दी हो, ये हो, आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स इन्वेस्ट कर रहे हो, बट इफ़ यू आर नॉट ईटिंग हेल्दी हाउ डू यू इवन एक्सपेक्ट कि आपके प्रोडक्ट्स आपकी स्किन में वर्क करेंगे। यू आर डूइंग एवरीथिंग टू अवॉइड पिंपल्स वगैरह, लेकिन आप खा रहे हो पिज्जा, ऑयली समोसा एंड एवरीथिंग, सो हाउ डू यू इवन एक्सपेक्ट कि आपका प्रोडक्ट भी वर्क करेगा एंड देन यू क्लेम दैट प्रोडक्ट इज नॉट वर्किंग और द वीडियो इज नॉट गुड। इट्स नॉट। सबसे फर्स्ट थिंग अगर आपको अपने स्किन में करना है, चेंज दिस हैबिट ऑफ अनहेल्दी ईटिंग एंड स्टार्ट ईटिंग हेल्दी। विद दिस हियर वी कम्स टू एन एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, सो मेक श्योर कि आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। सो आई विल बैक विद अ न्यू वीडियो वेरी सून, सो मेक श्योर यू स्टे कनेक्टेड विद मी। बाई।